बड़ी खबर गुना जिले से सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग गुना द्वारा प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए आपको बता दें कि गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर तथा जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा के मार्गदर्शन में आज गुरुवार को जिला जेल गुना में परिरुद्ध बंदियों एवं जेल के कर्मचारियों को टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वहां मौजूद बंदियों को कोरोना से बचाव हेतु कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया गया। इस मौके पर जिला जेल अधीक्षक अतुल सिन्हा, जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नखराली, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा, बीसीसीएम विवेक गुप्ता, डॉक्टर महेंद्र सिंह किरार, अमन रघुवंशी सहित सिस्टर द्रौपदी भडेडिया, रविंद्र भार्गव, देवेंद्र गुप्ता मौजूद रहकर टीकाकरण में सहयोग प्रदान किया। नमस्कार। कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण में गति लाई गई है, तो वहीं आज हमारे गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी राजकुमार ऋषिश्वर एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा के निर्देशन में आज जिला जेल में बंदियों को बूस्टर डोज कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। तो वहीं जिले में रेड क्रॉस भवन एवं बूढ़ेवाला युवा स्वास्थ्य केंद्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोवैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। कोविशील्ड अभी उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी सिर्फ कोवैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। मैं सभी जिलेवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी संभावित लहर को देखते हुए जल्द से जल्द अपना बूस्टर डोज लगवाएं। जिले में आज दिनांक तक 21,99,838 लोगों ने अपना संपूर्ण 38 लोगों को बूस्टर डोज टीकाकरण हो चुका है, जिसमें से 10,06,140 लोगों ने अपना पहला डोज कंप्लीट कर लिया है, तो वहीं 9,81,288 लोगों ने दोनों डोज पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही अभी सिर्फ 2,12,402 लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। जिले में अभी 6,00,000 से अधिक लोग ऐसे बचे हैं जिनको बूस्टर डोज लगवा नहीं लगे हैं। मैं सभी जिलेवासियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी कोरोना टीके के महत्व को समझें और कोरोना का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।